कृष्ण की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे का खट्टा मीठा। इसके लिए इमली मैंने भिगो दी है। इमली को मैं इसको 2 घंटे हुए होंगे भीगते हुए, इसको मैं मिक्सी में पीस लूंगी और छलनी में छान लूंगी। इमली का रस हमारा निकल कर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। ये देखिए 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी हमने डाल ली है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफेद सेंधा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग और 1/2 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ जीरा। और हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस यही डालना है फ्रेंड्स इसमें हमको, और अच्छे से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें डालेंगे ये जो हमने इमली का रस छाना है ना, ये 2 चम्मच हम इसमें बड़ा डाल लेते हैं और इसको हम घोल लेते हैं। अब हम इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा पानी, ठंडा ठंडा पानी मिला है एकदम बर्फीला इसमें फ्रेंड्स। बस बिल्कुल तैयार है हमारा गोलगप्पे का मीठा मीठा पानी। इसमें हम ताजे 1-2 पुदीने के पत्ते डाल देंगे ताकि इसके अंदर खुशबू और स्वाद और आ जाए। ये देखिए दोस्तों, पुदीना डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और बस ये आपका गोलगप्पे का मीठा पानी बहुत टेस्टी पीने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, ये हाजमेकार है। इसको हम बच्चों को पीने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हम कहेंगे ले बेटा थोड़ा सा और पी ले, तेरा हाजमा हो जाएगा। बेहद जबरदस्त खट्टा मीठा तीखा सारे टेस्ट है इसमें। जरूर बनाइए, जब भी आप गोलगप्पे बनाए इसी तरह का पानी बनाइएगा। मुझे जरूर याद कीजिएगा, मेरा चैनल पसंद आए, मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ प्यारे कमेंट्स तो आप देंगे ही, क्योंकि उनका मुझे हमेशा इंतजार रहता है। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।